सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है एंडर्स गेम, जिसमें फॉर्मिक्स नाम के एक एलियन प्रजाति के हमले के वजह से करोड़ों लोग मारे जाते हैं। इसलिए बाकियों को बचाने के लिए मेजर रैकम खुद का कुर्बानी देते हुए अपना फाइटर प्लेन फॉर्मिक्स के क्वीन शिप में क्रैश कर देता है, जिसके वजह से सभी फॉर्मिक्स क्वीन के साथ मारे जाते हैं। पर अब जब फॉर्मिक्स वापस आ सकते थे, तो ऐसे में उस लड़ाई के लिए इंटरनेशनल फ्लीट सबसे होशियार बच्चों को एक गेम के जरिए ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, उनके समझदारी, निडरता और काबिलियत को परखने के लिए, जिसको करते करते 50 साल बीत जाते हैं। पर फॉर्मिक्स की तरफ से कोई दूसरा हमला नहीं होता, हालांकि फिर भी फॉर्मिक्स के खिलाफ ट्रेनिंग चलता रहता है, जिसमें एंडर विगिन नाम का एक लड़का अपने होशियारी के वजह से कर्नल हिरम और मेजर ग्वेन का ध्यान अपने तरफ कर लेता है। पर एंडर के लिमिट को जानने के लिए कर्नल और मेजर दोनों ही मिलकर उसे उस प्रोग्राम से निकालने का फैसला करते हैं, जिसको असली दिखाने के लिए वो उसके गर्दन से उसका मॉनिटर ये बोलकर निकाल देते हैं कि उसने गेम में चीटिंग किया था। इसलिए जब वो घर लौट रहा होता है, तब उसे इस चीटिंग के बहाने उस प्रोग्राम के कुछ लड़के उसे पीटने आते हैं, क्योंकि वो एंडर के होशियारी के वजह से जलते थे। खैर, एंडर जो कि फिलहाल प्रोग्राम से बाहर होने के वजह से गुस्से में था, वो ऐसे में उन लड़कों के लीडर को सिंगल फाइट के लिए चैलेंज करके उसे बुरे तरीके से मारता है, जिसको होते हुए कर्नल और मेजर दोनों ही देख रहे थे। इसलिए वो दोनों एंडर से इसका वजह जानने के लिए उसके घर जाते हैं कि आखिर उसने उस लड़के को हराने के बावजूद भी इतना बुरे तरीके से क्यों मारा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एंडर ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो लड़का फिर कभी उसे मारने की कोशिश न करे, यानी कि एंडर एक ही फाइट में अपने फ्यूचर के फाइट्स को भी जीतने की सोच रहा था। इसलिए एंडर की सोच के वजह से कर्नल उसे बैटल स्कूल में डाल देता है, जो कि होता है स्पेस में, जहां उसके उम्र के और भी कैंडिडेट होते हैं। पर कर्नल के तरफ से एंडर को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने के वजह से उसके ऑलरेडी कई सारे दुश्मन बन जाते हैं, जिसमें इसी बीच उसे बाकी के कैंडिडेट्स के साथ जीरो ग्रेविटी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत ही जल्द दूसरे टीमों को हराने के लिए कम्पीट करना था, जिसमें एंडर इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि उसके टेस्ट रिपोर्ट्स को देखकर कर्नल एंडर को बाकी कुछ लड़कों के साथ एक एडवांस लेवल की टीम में प्रमोट कर देता है, जहां एंडर इसी दौरान अपने खाली टाइम में फेरी वर्ल्ड जाने वाले एक फैंटेसी माइंड गेम खेलता है, जो कि उन गेम्स के जैसा था, जिसमें प्लेयर्स को अपने अगले चाल के तौर पर दो ऑप्शन मिलते हैं, जो कि इस केस में था दो प्याला, जिसमें से एक में जहर था और एक में जहर नहीं था, जिनमें से जहर के प्याले को चुनने के वजह से वो फेरी वर्ल्ड नहीं जा पाता। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये होता है कि वो चाहे कोई भी ऑप्शन चुन ले, वो उस गेम में हमेशा हारता है। इसलिए एंडर उस गेम के कैरेक्टर को ही मार देता है जो नॉन प्लेएबल कैरेक्टर था, क्योंकि एंडर ये समझ चुका था कि अगर वो रूल्स को फॉलो करेगा तो नहीं जीत पाएगा, यानी कि एंडर जीतने के लिए वायलेंस को चुनता है, जो कि असल में उस प्रोग्राम का मकसद था जिसका वो सभी हिस्सा थे। जिस पर कर्नल एक बार फिर से नजर रखते हुए एंडर को ही अपना परफेक्ट कैंडिडेट बताता है। हालांकि इसके बाद एंडर अपने नए टीम के साथ ट्रेनिंग तो करता है, पर उसे जब भी मौका मिलता है वो उस गेम को फिर से खेलने लगता है, जिसमें इस बार उसे अपने सामने एक फॉर्मिक क्वीन दिखाई देता है, जो कि बाद में उसके बहन में बदलते हुए उसे एक फॉर्मिक्स के बेस तक ले जाता है, जो कि चल ही रहा होता है कि कर्नल को तभी फॉर्मिक्स के कुछ शेप पैरामीटर पर एंटर होते हुए दिखाई देता है। इसलिए कर्नल एक बार फिर से एंडर के रिजल्ट को देखकर उसे खुद का एक टीम देकर उसे उसका कमांडर बना देता है, क्योंकि वो अब तक जिस भी टीम में था उसे उनके कैप्टन के बातों को मानने में तकलीफ होता था। हालांकि एंडर को उसका खुद का टीम मिल गया था, पर कर्नल तभी उसको असली जंग में नहीं भेजता, बल्कि वो एंडर की टीम को बाकी के टीमों के साथ फिर से कम्पीट करवाता है, ये देखने के लिए कि एंडर कितना केपेबल है, जिसमें एंडर को जीतता देख कर्नल को अपना डिसीजन सही लगता है, इतना कि कर्नल एंडर की उस गलती को माफ कर देता है जिसका कोई माफी नहीं होता। इन शॉर्ट, एंडर अपने पर्सनल लड़ाई के दौरान बोंसो नाम के एक लड़के को बुरे तरीके से जख्मी कर देता है, इतना कि वो बचेगा या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं होता। पर अब जब कर्नल को सिर्फ जंग को जीतने से मतलब था, तो ऐसे में वो एंडर को उसके फाइनल ट्रेनिंग के लिए इंसानों के दूसरे कॉलोनी ले जाता है, जो कि होता है वही प्लैनेट जहां फॉर्मिक्स पृथ्वी पर हमला करने से पहले रुके थे, जहां इत्तेफाक से एंडर को अपने रूम से वो जगह दिखाई देता है जिसको उसने कुछ दिन पहले माइंड गेम में देखा था। इसलिए वो उसको देखकर थोड़ा चौंक जाता है, पर अब जब उसको कभी भी असली जंग में भेजा जा सकता था, तो ऐसे में उसके फाइनल ट्रेनिंग के लिए वो लोग
फॉर्मिक्स के प्लेनेट का एक सिमुलेशन बनाते हैं। लेकिन अब जब वो गेम का फाइनल लेवल था, तो ऐसे में एंडर को परखने के लिए वो लोग एंडर को फॉर्मिक्स का एक छोटा ग्रुप दिखाते हैं, जो कि असल में वहां पर पानी इकट्ठा करने आए थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसके बाद से एंडर जो कुछ करने वाला था वो ये समझ कर करने वाला था कि वो सब एक गेम का हिस्सा है, जबकि असल में वो सब असली होते हैं, चाहे वो फॉर्मिक्स हो या फिर उनके खुद के शिप और उनमें मौजूद पायलट, वो सभी असली होते हैं। पर अब जब एंडर को यह नहीं पता था, तो ऐसे में वो फॉर्मिक्स को बेधड़क मारता रहता है, बिना ये सोचे कि आखिर वो वहाँ क्या कर रहे थे या फिर उन्होंने पिछले 50 सालों में पृथ्वी पर वापस हमला क्यों नहीं किया। इन शॉर्ट, फॉर्मिक्स सिर्फ पानी और नेचुरल रिसोर्सेज जैसी चीजों के तलाश में थे, जो कि पृथ्वी से हारने के बाद से सिर्फ खुद के बचाव का ही तैयारी कर रहे थे, ना कि हमले का। पर एंडर, जिसने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया था, वो हर दिन फॉर्मिक्स के ग्रुप को ढूंढकर उसे गेम समझकर मारता रहता है, और ऐसा करते करते महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद आता है वो दिन जिसको कर्नल फाइनल ट्रेनिंग बताकर उन फॉर्मिक्स के प्लेनेट पर हमला करवाता है, जहाँ कई सारे क्वींस मौजूद थे जो कि अपने डिफेंस के लिए अपने प्लेनेट को बचाने की कोशिश करते हैं। पर एंडर का स्ट्रेटजी इतना अच्छा होता है कि वो फॉर्मिक्स के सभी डिफेंस को एक ही हमले में खत्म कर देता है, यानी कि वो इस लड़ाई को जीत जाता है। लेकिन एंडर एक बार फिर से फ्यूचर के लड़ाई को भी जीतने की कोशिश में फॉर्मिक्स के पूरे प्लेनेट को ही खत्म करने का सोचता है, पर इस बात से अनजान कि वो जिस शिप को ये सब कमांड दे रहा है उसमें असली लोग हैं, एंडर उन सभी का कुर्बानी देते हुए अपने फाइनल हमले के लिए फॉर्मिक्स के प्लेनेट के करीब जाता है। और जैसे ही वो अपने ज्यादातर पायलट को खोने के बाद उस तक पहुंचता है, वो एक ही हमले में पूरे प्लेनेट को खत्म कर देता है, जिसके वजह से एंडर और उसका टीम गेम को खत्म करने का खुशी मनाने लगते हैं, क्योंकि उसके पहले ऐसा कोई भी नहीं कर पाया था। पर जैसे एंडर उस प्लेनेट के तबाह होने के तस्वीरों को देखता है, वैसे ही वो ये समझ जाता है कि वो कोई गेम नहीं है, बल्कि वो सब असली है, क्योंकि अब जब उस गेम को किसी ने फिनिश नहीं किया था, तो ऐसे में उन तस्वीरों को सिमुलेशन में होना नामुमकिन था। खैर, अब जब एंडर को कर्नल का सच्चाई पता चल चुका था, तो ऐसे में वो एक पूरे स्पीशीज को खत्म करने का जिम्मेदार खुद को समझने लगता है। पर अब जब वो सिर्फ एक छोटा सा लड़का था, तो ऐसे में वो उसे शांत करने के लिए बेहोश कर देते हैं। लेकिन उस नींद के हालत में एंडर को उस माइंड गेम का वो पल दिखने लगता है जिसमें उसने क्वीन के फॉर्मिक और अपने बहन को देखा था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फॉर्मिक्स उस माइंड गेम के जरिए एंडर से बात करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि उसने जिस जगह को उस गेम में देखा था वो जगह उसके सामने ही था जो कि उस फॉर्मिक ने दिखाया था। पर क्यों, इसको जानने के लिए एंडर उसके अंदर जाता है, जहाँ अभी एक और फॉर्मिक बचा हुआ था जो एंडर से जुड़ के उसे उनके अंडों को बचाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो क्वीन भी मर रही थी। इससे एंडर, जिसने कुछ देर पहले फॉर्मिक्स के पूरे स्पीशीज को लगभग मार ही दिया था, वो आखिर में उन बचे हुए फॉर्मिक्स के अंडों के लिए नया कॉलोनी ढूंढने का फैसला करता है, क्योंकि वो फॉर्मिक्स इतने बुरे नहीं थे जितने कि कर्नल उन्हें बता रहा था। इसलिए एंडर एडमिरल में प्रमोट होने के बाद किसी को बिना बताए अपने शिप में उन अंडों के साथ स्पेस के गहराइयों में उनके लिए नया घर ढूंढने निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।